तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं तीन फ्लैगशिप प्रोसेसर को। जैसे कि आपको पता है कि भाई एप्पल ने तो 18 प्रो चिपसेट काफी टाइम पहले ही लॉन्च कर दिया बिकॉज उनका आईफोन 16 लाइनअप आया था। उसके बाद यहाँ पर डायमेंसिटी ने करा एंड अब यहाँ पर भाई स्नैपड्रैगन की तरफ से भी 8 Lite AKA 8 Gen 4 प्रोसेसर में मिल चुका है। तो ये वीडियो पूरी देखना, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि भाई बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर कौन सा है। और अगर आप एक फ्लैगशिप फोन बाय करने की सोच रहे हो तो वेट कर लेना, क्योंकि काफी सारे फोन इन प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं। बाकी आपको वीडियो देखने के बाद तो पता लगी जाएगा कि एक फ्लैगशिप फोन को किस प्रोसेसर के साथ बाय करना चाहिए। अब यहाँ पर स्नैपड्रैगन का, जैसे कि आपको पता है, इन्होंने पूरा आर्किटेक्ट चेंज करा है। यहाँ पर पहले जो कोर्स थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी, एक प्राइम कोर थी, 3 फिर परफॉर्मेंस कोर थी, उसके बाद भी परफॉर्मेंस कोर थी और बची हुई पावर एफिशिएंसी कोर थी। तो इस बार इन्होंने ऐसा नहीं करा, जैसे एप्पल करता है ना, सिर्फ कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसी तरीके से स्नैपड्रैगन ने भी कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। रीजन सिंपल सा है, जो एप्पल के चीफ आर्किटेक्ट थे अब वो भाई क्वालकॉम में चले गए हैं, तो जो पैसा फेंक के मारेगा भाई उसकी तरफ जाएंगे हम लोग। खैर इन सब की वजह से क्या चेंज आया उसकी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे हम अच्छे से। यहाँ पर GPU CPU हर चीज की बात होने वाली है। तो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक और एम करते हैं 10,000 लाइक का इस वीडियो पर। अब सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि स्नैपड्रैगन 8 Lite डायमेंसिटी 9400 और एप्पल का A18 प्रो चिपसेट तीनों ही TSMC ने बनाए हैं और तीनों ही चिपसेट 3nm पर बिल्ड है। अब 3nm पर बिल्ड का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर्स के बीच में 3 नैनोमीटर का ही गैप है। पहले 4, 5, 6 इतना गैप होता था, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन ज्यादा होती और ट्रांजिस्टर भी ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाते थे छोटे चिपसेट के अंदर। बट जैसे अब ट्रांजिस्टर के बीच में गैप कम हो गया, सिर्फ 3 नैनोमीटर का, छोटे चिपसेट के अंदर ज्यादा ट्रांजिस्टर जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर मिले। बाकी यहाँ पर चिप के अंदर और भी ज्यादा मटेरियल डाला जा सकता है, जैसे कि अभी NPU वगैरह मिलने लगा है। खैर अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कोर्स की। तो यहाँ पर 8 Lite AKA 8 Gen 4 के अंदर 8 कोर्स मिलती हैं, वहीं पर MediaTek के अंदर भी 8 कोर हैं, लेकिन जो Apple का प्रोसेसर है इसके अंदर सिर्फ 6 कोर है। तो Hexagon है, बाकी Dimensity और Snapdragon का प्रोसेसर Octa-core प्रोसेसर है। अब Apple ने सिर्फ यहाँ पर जो 2 कोर हैं वो परफॉर्मेंस के लिए रखी हैं, जिनकी क्लॉक स्पीड है 4.05 GHz। बाकी की जो 4 कोर्स हैं ये हैं एफिशिएंसी कोर जो 2.42 GHz पर क्लॉक है। अब MediaTek ने यहाँ पर जो 1 कोर है वो ये प्राइम कोर रखी है, 3.62 GHz पर क्लॉक है, कोर्टेक्स X925। और 3 कोर जो है वो 3.30 GHz पर क्लॉक है, कोर्टेक्स X4 की। और 4 कोर्स है पावर एफिशिएंसी कोर जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.21 GHz और इनका नाम है कोर्टेक्स A720। तो यहाँ पर इन्होंने भी थोड़ा सा आर्किटेक्ट चेंज कराया, क्योंकि पहले 4 पार्ट में डिवाइड होती थी, अब 3 पार्ट में डिवाइड है। लेकिन स्नैपड्रैगन ने सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड रखी है। इसके अंदर जो 2 कोर्स हैं ये फिनिक्स L कोर है जो 4.32 GHz पर क्लॉक है और ये प्राइम कोर है। बाकी जो 6 कोर्स बची है ना स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के अंदर, ये फिनिक्स M कोर है जो कि 3.53 GHz पर क्लॉक है, जो कि परफॉर्मेंस कोर है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन ने कोई भी पावर एफिशिएंसी कोर इस बार यूज नहीं करी है। बट यहाँ पर हमने लास्ट S25 अल्ट्रा वाली वीडियो के अंदर गलती से इन्हें पावर एफिशिएंसी कोर बोल दिया था। रीजन सिंपल सा था, ताजा प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, वेबसाइट ने इसे पावर एफिशिएंसी कोर बोला था, ना कि परफॉर्मेंस कोर, तो वही हमने बोल दिया। अब ये वीडियो डिटेल में बनाने का रीजन यही है ताकि वो मिस्टेक अच्छे से क्लियर कर पाए हम और आपको परफेक्टली ये पता लग पाए कि आपके लिए बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर कौन सा है। खैर यहां पर तीनों के अब स्कोर्स पर आए जो कि निकल कर आ रहे अभी तक। तो यहां पर सिंगल कोर स्कोर जो है वो अभी भी एप्पल का सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यहां पर स्नैपड्रैगन 8 Lite का मिलता है, लास्ट में डायमेंसिटी का। इवन यहां पर जो पावर ड्रॉ है वो अभी भी एप्पल के प्रोसेसर की सबसे कम है, ये सिर्फ 6.6 वाट लेता है, वहीं पर स्नैपड्रैगन का 7.6 वाट। और अभी भी MediaTek का प्रोसेसर सिंगल कोर स्कोर के अंदर सबसे ज्यादा पावर ड्रॉ करता है। बट यहां पर मल्टी स्कोर देखा जाए तो भाई यहां पर स्नैपड्रैगन ने इस बार लिटरली किल कर दिया, इसका स्कोर सबसे ज्यादा है। जहां पर सिंगल कोर में 11% भाई एप्पल बेटर था, वहीं पर मल्टी कोर स्कोर के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 11% बेटर है एप्पल के कंपैरिजन में। दूसरे नंबर पर यहां पर मल्टी कोर स्कोर भाई एप्पल का छेंड अगेन। यहां पर लास्ट जो है CPU स्कोर मल्टी कोर के अंदर भाई वो MediaTek का ही मिलता है। इवन इसकी जो बैटरी कंजप्शन है वो ज्यादा है, और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और जो एप्पल का प्रोसेसर है मल्टी कोर स्कोर के टाइम पर सिर्फ 12 वाट की पावर ड्रॉ करते हैं। MediaTek काफी ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है इस मामले में भी। बट यहां पर MediaTek का प्रोसेसर अब जिस चीज में आगे निकल जाता है, और वो हमेशा से ही हमने निकलता हुआ देखा है, जैसे कि हमने इसकी पावर कंजप्शन ज्यादा देखी हर बार, तो वो है भाई GPU। यहां पर एक तो इन्होंने GPU इस बार ARM Mali G925 Immortal MP12 GPU यूज करा है, और इसका स्कोर भाई काफी अच्छा मिलता है हमें स्नैपड्रैगन और एप्पल के A18 प्रो चिपसेट से। एप्पल ने यूज करा है यहां पर 6 कोर GPU और स्नैपड्रैगन ने यूज करा है Adreno 830 GPU। यहां पर स्कोर
कोर आपके सामने है। यहाँ पर पीक परफॉर्मेंस भाई मीडियाटेक के प्रोसेसर की ज्यादा है, लेकिन अगेन इसका पावर ड्रॉ काफी ज्यादा है, मतलब ये बैटरी कंज्यूम काफी ज्यादा करता है। और ये चीज हमने पास्ट में भी काफी सारी टेस्टिंग के अंदर देखी है, खुद से अगर आपने मेरी टेस्टिंग वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा। अब वहीं पर जो एप्पल का प्रोसेसर है इसका जीपी स्कोर सबसे कम मिलता है, लेकिन अब अगर आप तीनों के अंदर सेम पावर दोगे तो उस टाइम पर भाई 8 एलाइट का जो स्कोर है वो सबसे कमाल का निकल कर आता है। तो अगर आपको एक बैलेंस जीपीयू वाला प्रोसेसर चाहिए जिसके अंदर आपको कम पावर भी कंजप्शन मिले और अच्छी परफॉर्मेंस भी मिले, तो यहां पर 8 एलाइट का जीपीयू उसमें स्टैंड कर जाता है टॉप पर। बाकी यहां पर आप कैश मेमोरी की बात कर लेते हैं, काफी ब्रांड यहां पर डिस्क्लोज नहीं करते, बट इस बार काफी हद तक इन्होंने डिस्क्लोज कर दी है। जैसे कि L3 कैश यहां पर इस बार, जैसे कि आपको पता है एप्पल और स्नैपड्रैगन का आर्किटेक्ट लगभग सिमिलर है, तो दोनों के पास L3 कैश नहीं मिलती, लेकिन मीडियाटेक के पास L3 कैश मिलती है 12 MB की। वहीं पर यहां पर स्नैपड्रैगन के पास L1 कैश और एप्पल के पास L1 कैश सिमिलर मिलती है सेम MB की, बट यहां पर डिस्क्लोज नहीं करा ब्रांड ने कि कितने MB की गई है। और L1 कैश तो भाई मीडियाटेक ने भी डिस्क्लोज नहीं करी, लेकिन हमें L2 कैश भाई तीनों की पता है। यहां पर टोटल L2 कैश सबसे कम मीडियाटेक के पास मिलती है, सिर्फ 7 MB की, उसके बाद एप्पल के पास 20 MB की, एंड यहां पर जो स्नैपड्रैगन है इसके पास सबसे ज्यादा L2 कैश मिलती है 24 MB की। अब कैश मेमोरी का काम क्या होता है, जब भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, हैवी टास्क कर रहे हो और बैकग्राउंड में किसी चीज को छोड़ देते हो, तो भाई जब भी आप उसे ओपन करोगे तो वही सबसे ज्यादा फास्ट रेस्पॉन्स करेगी जिसके पास सबसे ज्यादा कैश मेमोरी है। तो इस मामले में मेरे को लगता है कि क्वालकॉम किल कर गया है, बिकॉज यहां पर L2 कैश सबसे ज्यादा मिलती है। बाकी यहां पर टोटल सिस्टम लेवल कैश जो है वो भाई मीडियाटेक के पास 10 MB की मिलती है और एप्पल के पास 24 MB की, लेकिन स्नैपड्रैगन ने ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी है। जैसी होगी आपका भाई इसको बता देगा अपने ट्विटर हैंडल पर, तो उस पर हमें फॉलो कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो यहां सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी यहां पर तीनों ही प्रोसेसर भाई LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं, बट यहां पर क्लॉक स्पीड जो है वो स्नैपड्रैगन सपोर्ट करता है 5.3 GHz की, मीडियाटेक 5.33 GHz की, एंड एप्पल यहां पर सपोर्ट करता है 7500 MHz ट्रांसफर पर सेकंड। बाकी स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का प्रोसेसर भाई UFS 4.0 की स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं, एप्पल का प्रोसेसर NVMe स्टोरेज को सपोर्ट करता है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा फास्ट है। बट यहां पर एप्पल का प्रोसेसर एक चीज में अभी भी काफी पीछे है, ये सिर्फ 8 GB की रैम तक को सपोर्ट करता है, वहीं पर मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन 24 GB तक की रैम को सपोर्ट करते हैं। अब देखना होगा कि कौन से स्मार्टफोन ब्रांड हमें भाई 24 GB की रैम वाला फोन देने वाला है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, देखना होगा उसके अंदर क्या गेम अलग ही लेवल पर चलने वाला है जैसे कंप्यूटर में चलता है। एंड नॉट जस्ट दिस, ISP भी एप्पल के प्रोसेसर की सबसे पीछे है, ये सिर्फ 48 MP के कैमरा को सपोर्ट करता है और 8K 24 FPS तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, इवन डिस्प्ले में प्लेबैक भी इसके इतना ही मिलता है। वहीं पर मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 320 MP को सपोर्ट करते हैं, मतलब मेरे को लगता है कि ह्यूमन आई मेगापिक्सल भी जल्दी आने वाले हैं जो कि 520 MP के आसपास है, तो मुझे कमेंट बताओ कितना होता है। खैर यहां पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग और सपोर्ट करते हैं वो 8K 60 FPS तक अब भाई दोनों ही प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं, अभी तक 8K 30 FPS तक किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर NPU की बात करें तो भाई ऑल न्यू हेक्सागन स्ट्रक्चर बेस्ड NPU यूज किया है यहाँ पर भाई स्नैपड्रैगन ने, पहले भी हेक्सागन था लेकिन यहाँ पर नया स्ट्रक्चर यूज करा है इसके अंदर इस बार, एंड ये ऑन डिवाइस मल्टी मोड AI सपोर्ट करता है। एंड मीडियाटेक के प्रोसेसर के अंदर NPU 890 मिलता है, एंड ये भी ऑन बोर्ड मल्टी मॉडल AI सपोर्ट करता है। एंड एप्पल के पास आपको पता ही है कि 16 कोर का NPU मिलता है, अब इसका काम अभी तक तो हमें दिख नहीं रहा जब भाई AI आएगा जब की बात करेंगे, बट ये 35 trillion ऑपरेशन पर सेकंड हैंडल कर सकता है, तो भाई देखना होगा कौन ज्यादा तबाही होगा, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन ब्रांड अपना अलग से ही AI डाल रहा है फीचर। अब काफी जो ब्रांड है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी AI फीचर्स आपको देने वाले हैं, तो आप मुझे एक चीज कमेंट में बताना कि आप AI फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पसंद करोगे, और अगर आपके फोन के अंदर AI है तो आप उन्हें कितना यूज करते हो, तो ये मुझे जरूर बताना। साथ ही तीनों ने इस बार अपनी 5G कनेक्टिविटी भी इंप्रूव करी, क्योंकि तीनों ने ही नए मॉडेम यूज करे हैं। यहां पर एप्पल ने भाई क्वालकॉम का X75 चिपसेट यूज करा है, एंड वहीं पर क्वालकॉम ने तो अपना करा ही है, यहां पर X80 चिपसेट मिलता है इसके अंदर, जिसकी वजह से डाउनलोडिंग स्पीड एप्पल की और स्नैपड्रैगन की सेम है 10 GBPS की, अपलोडिंग स्पीड 3.5 GBPS की मिलती है। वहीं पर जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है इसने यूज करा है रिलीज 75G मॉडेम, जिसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड अप टू 7 GBPS मिलती है। बाकी तीनों ही प्रोसेसर जो है वो भाई Wi-Fi 7 को सपोर्ट करते हैं, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहां पर क्वालकॉम के प्रोसेसर के पास सबसे तगड़ी मिलती है, ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट मिलता है इसके पास, उसके बाद मीडियाटेक के पास ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है, एंड भाई सबसे पीछे यहां पर एप्पल है ब्लूटूथ 5.3 के सपोर्ट के साथ। तो यहां पर जितना भी हमने देखा इस बार जो मैसिव इंप्रूवमेंट है भाई वो सिर्फ हमें देखने के लिए मिलती है क्वालकॉम के प्रोसेसर के अंदर, क्योंकि हमने जो एप्पल का प्रोसेसर है वो लास्ट प्रोसेसर से कंपेयर कर रहा था, इतना बड़ा चेंज नहीं था क्योंकि ऑलरेडी काफी पावरफुल है। जो इन्होंने मेन चेंज करें वो NPU के अंदर करें, एंड अभी तक NPU यूज करने वाले कोई फीचर इन्होंने अपने फोन के अंदर
अंदर डालनी है जो हम करके आपको अच्छे से बता सकें। अब यहां पर देखा जाए तो हर बार की तरह एक चीज अभी भी हमें कंसिस्टेंट मिली है, वो है भाई जीपी परफॉर्मेंस मीडियाटेक के प्रोसेसर की। ये भाई अभी भी पीक परफॉर्मेंस सबसे तगड़ी दे रहा है एंड अभी भी सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन यही कर रहा है जितना भी अभी तक हमने टेस्टिंग के अंदर देखा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली मुझे लगता है हर बार की तरह मीडियाटेक का प्रोसेसर हीट भी सबसे ज्यादा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से भाई सबसे पावरफुल और सबसे बैलेंस्ड प्रोसेसर इस बार क्वालकॉम ने बनाया है। बाकी आप बताना आपको तीनों में से कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगा, वैसे तीनों के ही जैसे फोन आ जाते हैं हमारे पास, तो हम एक लाइव कंपैरिजन भी करके आपको वीडियो देंगे। आपको चाहिए नहीं वो कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना, 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं और 10,000 लाइक का एम करते हैं इस वीडियो पर, तो हिट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैगा टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद एचएफपी एंड बॉक्स गाइस।